बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम शाही कुकिंग। आज हम बना रहे हैं कोफ्तों का सालन। ये हमने लिया है 300 ग्राम मटन, इसमें एक बड़ी प्याज डाल दीजिए और लहसुन की कलियां 6 से 7, हरी मिर्च डालिए और नमक डालिए और थोड़ा सा पानी डालिए। और इसमें हम चने की दाल डालेंगे जो भीगने रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे, गोश्त गलने तक आप पकाइए। 1 चम्मच ऑयल डालिए, इसका पानी सूखने तक पकाइए। बस इतना ही पानी डालना है इसमें, ये पानी सूखने तक पका लीजिए। ये देखिए इसका पानी सूख गया है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना, हरा धनिया डाल दीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून डालिए आप, और 1/2 नींबू डालिए। अब इसे मिक्स कर लीजिए और पानी इसका थोड़ा है, देखिए आप सूखने तक इसे पकाइए। अब ये हो गया है, अब इसे ठंडा होने रख लीजिए। अब इसे ग्राइंड कर लीजिए। ये हमने सिर्फ पीस लिया है अच्छा सा। अब इसके हम कोफ्ते बना लेंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। ये देखिए ये हम बना लिए हैं कोफ्ते। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे डीप फ्राई करना नहीं है, बस थोड़ा सा ऑयल डालिए, बस ऐसे ही फ्राई करना है इसे, ज़्यादा ऑयल मत डालिए आप। इसी तरह हम इसे फ्राई कर लेंगे। इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी। लाइक ज़रूर करिए। ये देखिए ये हो गए हैं कोफ्ते। अब हम इसे निकाल लेंगे, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। अब एक साइड हम ग्रेवी के लिए खोपरा, मूंगफली के बीज, बादाम और दही लिए हैं। इसे रोस्ट करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक साइड पैन लेंगे, इसमें ऑयल ले लीजिए आप और एक प्याज ले लीजिए। इसे फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लीजिए। अब ये देखिए हो गई है फ्राई। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम उसी ऑयल में खड़ा गरम मसाला डालेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट डालिए 2 चम्मच। इसे अच्छे से भून लीजिए अदरक लहसुन को। इसे भूनने के बाद अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चाय का चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी डालिए। इसे भून लीजिए। अब हम जो मसाले ग्राइंड करके रखे थे वो मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले डालकर आप भूनिए। अब इसमें हम दही भी डाल देंगे। दही ऐड कर लीजिए, 2 टेबल स्पून दही लिए हैं हम इसमें। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते। हम इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए कवर करके रख देंगे, जब तक इसका ऑयल नहीं आएगा जब तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए ये अच्छे से ऑयल छोड़ने लगा है मसाला। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज जो हम फ्राई कर लिए थे। प्याज डाल के इसे भूनिए। ये देखिए मसाला कितना अच्छा से भुन गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप पानी को ऐड कर लीजिए।
इसे हम स्लो फ्लेम पे पकने रखेंगे। ये देखिए ऑयल आ गया है। अब हम इसमें जो फ्राई करे थे कोफ्ते वो ऐड कर देंगे। अब पुदीना, हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। हरी मिर्च कटी हुई डाल दीजिए, हाफ नींबू डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए। आप चेक करके ये गरम मसाला ऐड कर लीजिए। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे रखेंगे, सिर्फ 5 मिनट्स रखिए आप, ज़्यादा मत रखिए। कोफ्तों को ज़्यादा रख के आप पकाएंगे तो कोफ्ते फिर उसमें घुल जाएंगे, तो आप इसे सिर्फ 5 मिनट रखिए, इसका ऑयल आ जाएगा। ये हो गया है रेडी। इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगी मेरी रेसिपी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए हो गया है रेडी। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मेरी रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।